अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नज़रिया मिकदार ज़र। नज़रिया मिकदार ज़र, जिसको हम QTM भी कहते हैं, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। आपके पास प्रोफेसर ताज़िक ने इसकी डेफिनेशन बयान की है। इसके मुताबिक जब ज़र की मकदार को दोगुना किया जाता है तो कीमतें भी दोगुना हो जाती हैं, और ज़र की जो कदर होती है वो निस्फ हो जाती है, और जब ज़र की मकदार को निस्फ किया जाता है तो कीमतें भी निस्फ हो जाती हैं और जो कदर होती है वो दोगुना हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट के अंदर ज़र की मकदार में इजाफा होगा तो कीमतें भी बढ़ेगी, लेकिन कीमत के बढ़ने की वजह से पैसे की जो कदर होती है वो कम हो जाती है, और अगर मार्केट के अंदर पैसे की मकदार कम होगी, ज़र की मकदार कम होगी तो कीमतों में कमी हो जाएगी, और कीमत में कमी की वजह से ज़र की कदर में इजाफा हो जाएगा। कदरे ज़र क्या होता है? ज़र की कदर, ज़र की जो कुव्वत ख़रीद होती है, जब चीज़ की कीमत बढ़ती है तो पैसे की कदर कम हो जाती है, पैसे की कुव्वत ख़रीद कम हो जाएगी, और जब कीमतें कम होती हैं तो पैसे की कुव्वत खरीद जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब होता है कि पैसे की जो कदर है वो ज़्यादा है। तो प्रोफेसर ताज़िक के मुताबिक अगर ज़र की मकदार को दोगुना कर दिया जाएगा तो कीमतें भी दोगुना हो जाएंगी, जबकि इसकी जो कदर होगी वो निस्फ हो जाएगी, और जब ज़र की मकदार को निस्फ किया जाएगा तो कीमतें भी निस्फ हो जाएंगी और ज़र की जो कदर होगी वो दोगुना हो जाएंगी, जबकि बाकी हालात बदस्तूर वही रहें। यानी कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो टॉपिक है, ये बाज़ मफरूज़ात के तहत, बाज़ शराइत के तहत जो होता है वो कंप्लीट होता है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मार्केट के अंदर अशिया की जो मकदार है वो 100 है और ज़र की मकदार वो भी 100 है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो कीमत होगी वो एक तय हो जाएगी, और अगर अशिया की मकदार वही रहे लेकिन ज़र की मकदार में इजाफा हो जाए, ये 200 हो जाए, तो इसकी प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी? 2। और अगर ज़र की मकदार 300 हो जाए तो कीमतें क्या हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, जबकि अशिया और खिदमात की जो मकदार होगी वो वहीं पर रहेगी। तो इसका मतलब है कि अगर ज़र की मकदार में इजाफा होगा तो कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा, और अगर ज़र की मकदार में कमी होगी तो कीमतों में कमी वाक़ हो जाती है आपके पास। तो यहाँ पर इसका फार्मूला बनता है, काफ बराबर है ज़ाल काफ प्लस ज़ाल काफ होगा ना। अब ये काफ क्या है? कीमत है। जाल जर है, गाफ गर्दिश है। कौन सा जर, कौन सी गर्दिश? कानूनी जर, और कानूनी जर की गर्दिश है आपके पास। जाल जबर एतबारे जर, गाफ एतबारे जर की गर्दिश है। लाम अशिया और खिदमात का जितना भी लेन देन होता है, जितनी भी ट्रेडिंग होती है, सारे की सारी इसी के अंदर काउंट की जाती है। और अगर हम इसको इंग्लिश फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास बनता है P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी डैश ओवर टी। एम मनी ज़र है आपके पास, V वेलोसिटी है, कानूनी ज़र, कानूनी ज़र की गर्दिश। एम डैश वी डैश क्या हो जाएगा? एतबारे ज़र, और एतबारे ज़र की गर्दिश है। टी क्या होता है आपके पास? ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग अशिया और खिदमात का लेन देन। और यहाँ पर ये जो गर्दिश है, वेलोसिटी जो है, इसका मतलब ये होता है कि एक ज़र एक साल के अंदर अंदर कितने हाथों में जो होता है वो गर्दिश करता है, इसी को हम ज़र की गर्दिश कहते हैं, या फिर हम इसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ये था आपके पास कानूनी ज़र और कानूनी ज़र की गर्दिश। तो सम अजम्पशंस के तहत ये कंबाइंड हो जाता है आपके पास, जो फार्मूला बनता है वो है P इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। ये आपके पास फार्मूला ड्राइव होता है। अब अगर हम इस फार्मूले के तहत चलते हैं
वैल्यूज़ को पुट करते हैं, देखते हैं कि ज़र की मकदार में इजाफे की वजह से कीमतों में इजाफा होता है या फिर नहीं। डेटा जो है वो आपके पास ज़र 100, ट्रेडिंग 10 और जो वेलोसिटी है वो भी 10। P इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। अब यहाँ पर आपके पास M कितना है, 100 है, वेलोसिटी कितनी है, कितने हाथों में गर्दिश कर रहा है, 10, और कितनी अशिया और खिदमात का लेन देन कर रहा है, 10। तो इसका मतलब कीमतें कितनी होगी आपके पास, 100। अब अगर ज़र की मकदार दो गुना हो जाए, एम 200 हो जाता है, ट्रेडिंग आपके पास 10 हो जाती है, वेलोसिटी आपके पास ये भी 10 रहेगी, ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ट्रेडिंग और वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेंगे, सिर्फ ज़र की मकदार में जो तब्दीली होगी हम इसको चेक करें। एम क्या आपके पास 200 है, वेलोसिटी क्या आपके पास 10 है, ट्रेडिंग आपके पास क्या 10, 10 से 10 कट गया, क्या रह गया पीछे 200। प्राइस कितनी आपके पास 200। अगर ज़र की मकदार दो गुना होगी तो कीमतें भी दो गुना हो जाती हैं, और अगर ज़र की मकदार निसफ़ हो जाए, अब ज़र की मकदार निसफ़ क्या होगी, बेसिक आपका डाटा कौन सा है, M1 यानी कि ये वाला M है और 100 है आपके पास, तो आप इसी का हाफ कर दें, तो P इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। एम कितना हो गया आपके पास 50, वेलोसिटी कितनी है 10, ट्रेडिंग कितनी है 10, तो P इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि ज़र की मकदार दोगुना है तो कीमतें भी दोगुना हैं, और अगर ज़र की मकदार निसफ़ है तो कीमतें भी निसफ़ हैं। इसका मतलब नज़रिया मकदार ज़र के ज़रिए हम कह सकते हैं कि ज़र की मकदार बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं और ज़र की मकदार कम होने से कीमतें कम होती हैं। और अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो ये आपके पास बनेगी, इस तरफ कीमतें हैं आपके पास, ज़र की रसद है आपके पास 100, 200, 50 है, 50, 100, 150, तो फर्स्ट पेयर आपके पास क्या बनेगा, 100 और 100 का, 200 और 250 और 50, ये सभी को मिला दें तो यहाँ पर ज़र की रसद और ज़र की तलब जो होती है वापस में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है कि ज़र की रसद में इजाफे की वजह से कीमतों में भी इजाफा वाक़ हो रहा है आपका। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक है, इंशाल्लाह कल हम इसके नेक्स्ट डे इसके मफरूज़ात को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।